अप टू पेज नंबर 130, पेज नंबर 130 में जो कुछ भी है, सो अप टू देयर आई हैव डिस्कस्ड, टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, सो दीस टू पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, राइट? देन आई हैव डिस्कस्ड आफ्टर दैट रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, राइट? Rules for naming a variable. After that, I have discussed this. This one is what? Top-down approach. With Q basic is a top-down approach. Top-down approach means here from top to bottom the statements will be executed. Top to bottom statements will be executed. Now see here, I want to add two numbers. So how we can write? So first, everyone see here. So suppose this one is one. What? First we have to open the editor. हमको एक editor में फॉर one page is required. Where we can write the program. जैसा हम लोग copy में क्या करते हैं? लिखते हैं ना, बिना copy के हम लोग कोई drawing नहीं कर सकते, कुछ भी report लिखना है, application लिखना है, तो कहाँ पे लिखेंगे? Copy में ही तो लिखेंगे. ऐसे ही जब हम program लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? One editor is required where we can write. ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं computer में. तो क्या होगा, एडिटर हमारे पास आएगा, एडिटर में हम लोग लिखेंगे. ठीक है ना, एडिटर हमारे पास आ गया. अब इसमें हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम सपोज आई हैव रिटन द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम लिख दिए, इसके बाद हम इसको सेव करेंगे. कैसे सेव करेंगे? फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन ऑफ द फाइल. इस फाइल का क्या एक्सटेंशन है? जैसे एक्सेल फाइल है, तो हम लिखेंगे जैसे क्या, अपलोड स्टैंडर्ड 4 डॉट, सो इट इज स्टैंडर्ड 6 डॉट एक्सेल. ऐसे लिखे जरा, अगर हमें रिकॉर्ड है तो क्या लिखा जाए? सॉरी नॉट एक्सेल, इट इज एक्सेल एस एक्स. ठीक है ना, दिस इज इंडिकेट दैट इट इज अ एक्सेल फाइल. सपोज डॉट, व्हाट अ फाइल इज दैट, सो डॉट जीरो स्टैंडर्ड 6 डॉट दिस. सो दिस इज व्हाट फाइल नेम, दिस इज व्हाट फाइल एक्सटेंशन. सेम हियर आल्सो, सपोज यू रिटन द प्रोग्राम, देन यू हैव टू सेव द फाइल. सो फाइल नेम दैन एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज क्यू बेसिक प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन डॉट बी ए एस. ठीक है ना, सो दिस इज द फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम फाइल एक्सटेंशन. Now next I want to perform the addition of two numbers. अब दो नंबर हमको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो अब क्या होता है, हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखे स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5, सपोज आई एम टेकिंग वन वेरिएबल. अभी हम एक वेरिएबल लेते हैं, सो सी हियर द वेरिएबल इज व्हिच वन, a इक्वल टू 5, दिस वन इज वन वेरिएबल, यस और नो? व्हाई? Everyone tell me this one is valuable or not? Yes, it is a valuable. Why? See here, 5 is what? 5 is what? Not variable. Everyone, what is 5? In the our problem, string constant is there and numeric constant is there. Numeric constant. So 5 is what? 5 is a numeric constant. Concentrate here. Constant is variable. A is a name is what? One variable. Marks is what? One variable. Right? Name is what? Name, if I write dollar, then this is a string variable. This is what? Integer variable. Right? Or numeric variable. So this is what? One variable. कहा जाएगा हार्ड डिस्क में सेव होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, डी ड्राइव पे भी इसको सेव कर सकते हैं। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये प्रोग्राम टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना?
रन में हमारे पास मेमोरी ऑप्शन है ना, बताया है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम नेम कॉलर लिखे इसका मतलब क्या होगा, नेम कॉलर इक्वल वेरिएबल। सो ये वेरिएबल क्या डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल का पर्पस क्या होता है, इट यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, बट जस्ट हियर आई हैव डिक्लेयर, डिक्लेयर मींस इट इज पॉइंटिंग टू वन मेमोरी लोकेशन, एक किसी भी एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस वन सपोज दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस वन, ठीक है ना, दिस वन इज फॉर योर प्रोग्राम लोड हो रहा है। And see here, this variable is pointing to this memory location. Similarly, this mask is what one variable. It is pointing to the suppose this variable. I also don't know which location, but randomly any one it will point. Right? So this one is of the type what? Number. This one is of the type what? String. So this variable is pointing to this location. So this one is a string variable. So I have the clear one string variable, but here I have not. What stored any value? This variable is memory location को क्यों point कर रहा है? कुछ value store करने के लिए। But here just I have pointed here, not declared, not store the value. Storing the value is what assigning the value here in this memory location. So if I will write like this, so see here just I have declared two variables. One is string variable, one is memory variable. If I will write like this, equal to A means, but see here main is what. Add two numbers, right? It will add two numbers, or it will concat. It will add two numbers, or it will concatenate two string. ये दो string को concatenate means join भी कर सकता, otherwise it will perform the addition. In the same way, minus, subtract, it will multiply the two numbers. Division, it will give the division of two numbers. In the same way, we have one operator this. What is the meaning of this? Just I have declared one variable. ये variable declare हुआ, इसका मतलब सिर्फ यही है. Declare है इसका मतलब ये हुआ कि memory में ये point करेगा किसी भी cell को. इसका मतलब हुआ it will point to any memory location. Right? If I will write like this, name dollar equal to here double quote CMIS. What is the meaning of this? This one is one variable. So this will point where? Suppose any location, this one. Yes, Saurav, Aastha, Sneha, everyone is able to understand or not? Up to here. Yes, sir. Yes, sir. If I write two statements, if I can write these two statements, so what is the meaning of this? Meaning is name dollar is what? One variable name. ठीक है, pointing to this variable location equal to what operator, equal to what operator, what this operator will do, whatever the right side value is there, right side में जो भी हमारा क्या है string constant है, left side में क्या है string variable है, तो right side में जो भी value रहेगा, जो भी value इसमें क्या हो सकता है, या तो string constant या numeric constant ही हो सकता है। We have only two types of constant. Constant means for what? For storing only. ठीक है ना? So these string constant, right side string constant value will be copied. Copied means what? Name variable में store हो जाएगा. So right side में जो value है store होगा name variable में. और name variable इसको point कर रहा है. इस memory location C या Chirag. So name variable इस location को point कर रहा है. That means CMIS हमारे इस memory location में आ जाएगा. समझ में? Everyone up to here comfortable? Yes or no? Yes. Yeah. So in the same way, see here. Yeah.
अब ये देखिए, सो आई हैव रिटन नेम डॉलर इक्वल टू डबल कोट्स ईएमआईएस, राइट। सो दिस होल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होल, ईएमआईएस विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। नेम डॉलर मीन जस्ट इफ यू राइट नेम डॉलर, दैट मींस इट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। व्हाट इज दिस, जस्ट वी हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इफ आई विल राइट सपोज एज, so just I have declared one variable, it will point into memory location, right? So this one is variable declaration. Simultaneously, same time I can assign also. Here I have declared the variable as well as assigned the value to the variable. Declaration as well as assignment, both here at the same time, right? So this is variable declaration as well as assignment. So this comes under the two tasks we are doing at the same time. Variable declaration and assigning assignment and assigning the value and assigning the value means the value to the variable, right? Here also see age. Age is one variable, numeric type of variable. See here, if you assign the value like this, everyone concentrate here. Right side is what? One variable, string variable. If you assign this one, what? Equal to the assignment operator. Right? Whatever the value will be in the right side, we'll be assigning this variable. So see here, left side is what? One variable. Which type of variable? String variable. So right side also must be a string variable. So right side must be a string constant, not variable, string constant. If you write like this, suppose 1, 2, so it is a numeric constant. This one is wrong. Samajh mein aa raha hai? Everything practically I will also show. So this one is wrong. So what is the meaning? See here, concentrate. So it is a string variable. So right side also must be a string constant. Here it is what? Numeric variable. Left side is a numeric variable, so must be in the right side also numeric constant. If you write like this, double quotes CMIS, so it is what? String constant. String constant cannot be assigned in the numeric variable. Up to here, anyone have any doubt? Now the next confusion. How can we add two numbers? Do number ko add karna hai. So see the two numbers I want to add. So take the first number as num1. Num1 is what? Variable, right? It is a numeric variable, right? So I am taking the value as suppose 10. Directly I am assigning here also. You can write in two string. Num1, so this one is variable declaration and here is assignment. In two step I am writing. First it is here pointing to the memory location and then right side value will be assigned. Or you can simultaneously only here only write one step. समझ में आ रहा? Either you can write in the one step or two step. Two step means लिखने का मतलब क्या हुआ? First it is declaring a variable in the memory, then the value will be assigned. And here you write one step, directly variable declaration as well as assignment will be internal means ये system करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. समझ में आ रहा? So see, I am taking two variables. First variable is Number one. Suppose 10. Number one is 10. I am taking second variable. Number two. 20. Right? I want the sum of these two variables. So I am taking another variable number three. So number three we can write as what? Number one plus number two. Yes or no? So number one is what? One variable. Suppose this variable is pointing to here. 10. This variable is pointing to here, suppose 20, right? This variable means num1 variable. This variable means num2 variable. Num, so this one is third variable, num. So here this variable is pointing to this. So here num1 plus num2. What is num1 means pointing to this. This plus this. These two will be added. Right. Here we see here this one is a variable and this one is what? This one is variable. This one is what?
सर कांस्टेंट दिस वन इज एन एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स वन वेरिएबल सो वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू हियर नंबर इज व्हाट 10 10 इज व्हाट न्यूमेरिक कांस्टेंट दिस वन इज व्हाट नंबर 2 पॉइंटिंग टू दिस व्हाट इज स्टोर्ड हियर न्यूमेरिक कांस्टेंट सो फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट 10 सेकंड इज 20 हियर इन द मिडिल प्लस ऑपरेटर इज देयर इफ यू ऐड दिस टू सो 30 विल बी देयर राइट सो 30 इज व्हाट वन न्यूमेरिक कांस्टेंट ये जब भी हम लोग ऐसे लिखे हैं तो व्हाट विल हैपन इंटरनली मींस ये हमको कुछ नहीं करना सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा ठीक है ना सिस्टम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं सो दैट वी डोंट नीड टू डू द सेम टास्क अगेन अगेन हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली बटन क्लिक करे सब कुछ हो जाएगा ठीक है ना इसीलिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है ना सो हियर इफ आई विल राइट दिस स्टेटमेंट नंबर 1 प्लस नंबर 2 सो व्हाट विल हैपन नंबर 1 में वैल्यू 10 है हियर 20 ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा मैं बता हियर द वैल्यू विल बी 10 हाउ इट विल बी 10 नंबर वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन एंड यहां पे इसको वैल्यू का 10 तो यहां पे इस तरह से कैलकुलेशन होगा ठीक है ना सो 10 प्लस 20 30 सो 30 विल बी इज 30 ये जो ऐड होगा 30 कितना रिजल्ट जाएगा 30 होगा 30 इज द रिमेनिंग वैल्यू रिमेनिंग कांस्टेंट विल बी असाइंड अब आपको यही समझना है अभी हमारे पास टोटल स्टेटमेंट कितने हैं स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 नाउ सी हियर नम वेरिएबल नम इज अ वेरिएबल ऑफ न्यूमेरिक टाइप हियर द वैल्यू इज 30 यहां पर नंबर का वेरिएबल क्या होता है वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है वेरिएबल का मतलब क्या होता है वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है सो हियर दिस वेरिएबल वैल्यू अगर हम इस वेरिएबल को चाहते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ मींस यहां पर क्या स्टोर हुआ डायरेक्टली पॉइंट टू लोकेशन मेमोरी लोकेशन सो उस मेमोरी लोकेशन में डायरेक्ट लोकेशन व्हाट इज द वैल्यू आई वांट टू सी मैं देखना चाहता हूं क्या रिजल्ट आ रहा है तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है क्या स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है जस्ट यू राइट प्रिंट आफ्टर दैट यू कैन राइट हियर I am discussing the syntax. So syntax is print that either you can write any variable you can write or any string any constant also you can write. Here you can write any variable or here you can write any constant or here you can write any expression. So practical जब हम next class में कराएंगे तो पता है। So here you can write after print. Print is what one keyword reserved meaning. We cannot write the name of the variable. This one is not a variable. Print is not a variable. Why? It is a fixed keyword. Keyword means reserved word. Now tell me anyone. Suppose your name. Suppose anyone. Smriti Priya. So Smriti Priya is the name. Suppose Alka Rani. Alka is one name. So we can write which one? Anura is one name. Now concentrate here. So tell me, is a name or not? Ask a name or not? Wait, listen properly. Am is a name or not? Have I is a name or not? So these are allowed. These are valid names. What is, are. These are the fixed. These have fixed meaning in the English grammar. Samajh mein aa raha? So same here also. Print is also you can take as a name, but it is acquired.
ठीक है ना. सो बट दिस हैज सर्टेन फिक्स्ड मीनिंग इन द इंग्लिश ग्रामर. सेम हियर आल्सो प्रिंट हैज सर्टेन फिक्स्ड मीनिंग. वी कैनॉट टेक वेरिएबल एज प्रिंट, राइट. वी कैनॉट टेक वेरिएबल एज प्रिंट. प्रिंट का कुछ मकसद है, स्पेशल पर्पस है इसका, ठीक है ना. व्हाट इज द मींस पर्पस ऑफ दिस? इट विल प्रिंट एनी वैल्यू, प्रिंट एनी वैल्यू इन द स्क्रीन. हम लोग जो वैल्यू ये कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा, इसको रन करेंगे तो हमारे पास सी या डब्ल्यू वन. ये प्रोग्राम जब रन करेंगे ना हमारे पास एक बटन रहेगा रन, एफ फाइव प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन आएगा ऐसा, आपका ब्लैंक स्क्रीन आएगा. प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो दिखाएंगे. तो ठीक, फाइनली क्या हो रहा है, ये नंबर वन नंबर टू जो भी वैल्यू लिखे है ये सारा मेमोरी में अभी पॉइंट कर रहा है, सब कुछ मेमोरी में हो रहा है, रैम में हो रहा है. लेकिन हमको रैम से थोड़ा मतलब, हमें क्या चाहिए, यूजर हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है ना. इफ वन मार्क्स इज डिडक्टेड देन एवरीवन विल शाउटिंग सर वन मार्क्स डिडक्टेड, वन मार्क्स डिडक्टेड. सो सेम हियर आल्सो, सपोज एनीथिंग एवरीथिंग आई विल डू इंटरनली आल्सो इंटरनल, देन यू विल नॉट सी एनीथिंग. सो फॉर यू वन स्क्रीन विल कम, आपको वहां पर कुछ भी प्रिंट क्या सिंटैक्स है, फिक्स्ड स्टेटमेंट, फिक्स्ड सिंटैक्स इज योर प्रिंट. आफ्टर दैट योर प्रिंट आइदर एनी वेरिएबल और एनी कांस्टेंट और एनी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एनी एक्सप्रेशन. सो वेरिएबल इज व्हाट, नाउ नाउ व्हाट नाउ टू बी योर व्हाट वेरिएबल, आइदर इज अ प्रिंट लाइक दिस हियर. सो प्रिंट नंबर वन, अगेन आई एम नेक्स्ट स्टेटमेंट आल्सो प्रिंट नंबर टू. सो सी हियर व्हाट विल हैपन. सो इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन मींस ये ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, नंबर वन, नंबर वन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इंटरनली इट विल बी, ये सब कुछ दिखेगा नहीं, ये जो डायग्राम है किसी को दिखेगा नहीं, अंदर कंप्यूटर के अंदर होगा, ठीक है ना. ये समझाने के लिए बता रहा है, समझ में आ रहा. यस एवरीवन, दीज थिंग्स विल हैपन इंटरनली, ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसे ये होता है, ठीक है ना. सो नंबर वन हियर टेन, सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, नंबर टू. So number 0.2 here 20. Next one is F3. Now is equal to number 1 plus number 2 means this value will be assigned to the right side now variable. So here 30. So now we have print number. Print number means आपको क्या दिखेगा? Number में क्या है? Number में तीन है, ले ली है. So print print number. Number में क्या है? यहाँ पर तीन ten. So print ten means here in the screen आपको ten दिखेगा. So just wait for 5 minutes. So in this way we can display the output. Now suppose same here, I'm increasing the number of lines. See here, after that, so what is the meaning of print statement? Everyone is able to understand or not? Print statement का क्या मतलब होता है, समझ आया ना? So see here, after this statement number 4 I'm writing num is equal to num minus num 1. Now try to understand. So num is what? This one equal to is an assignment operator. Right side whatever the value will be there, that value will be calculated. Here direct value is not there, it will be calculated. And that value will be assigned to this variable. Now see here. So right side is what? Again variable. So here this is pointing to this, means here 30. Then minus num one pointing to here. Bye everyone.